कोतवाली में स्वास्थ्य परिसर का हुआ आयोजन। 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत कोतवाली में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नेत्र रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर तथा दंत रोग एवं जनरल बीमारियों से संबंधित पुलिस कर्मियों तथा ई रिक्शा चालकों समेत ड्राइवरों का चिकित्सा स्वास्थ्य परिसर किया गया। इस दौरान डॉक्टर ने उन्हें परामर्श के साथ दवाइयां भी लिख कर दी। बता दें कि 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत कोतवाली में संजीवनी अस्पताल की तरफ से फ्री चिकित्सा स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों तथा चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। चिकित्सा शिविर में नेत्र रोग से संबंधित बीमारियों समेत दंत रोग तथा शुगर, ब्लड प्रेशर व हृदय रोग से संबंधित स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान चिकित्सकों ने उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित दवाइयां भी लिख कर दी। इस दौरान नेत्र रोग चिकित्सक डॉक्टर गीतांजलि तिवारी ने बताया कि संजीवनी अस्पताल के द्वारा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। आज सड़क सुरक्षा, यातायात वगैरह सुरक्षा की सप्ताह के टाइम पे संजीवनी हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ पे कैंप लगाया गया है, जिसमें मैं डॉक्टर गीतांजलि तिवारी आँखों का नेत्र परीक्षण कर रही हूँ यहाँ पे। जैसे जो ड्राइवर होते हैं जिनके मोतियाबिंद होता है, जो ड्राइव करते हैं रात में और दिक्कत होती है, तो उनको एडवाइस दी जा रही है कि आप आके ऑपरेशन कराइए, या अगर चश्मा वगैरह है तो चश्मा बनवाइए, या किसी की आँख लाल है तो उसके लिए दवाई दी जा रही है। और बस इसी तरीके से हम सब मिलके यहाँ पे आज इस चीज़ का आयोजन कर रहे हैं। जो लगाया गया है कोतवाली परिसर में, क्या क्या दिशा निर्देश दिए, कितने दिन उनका परीक्षण कर रहा है? आज सड़क सुरक्षा सप्ताह के उपलक्ष्य में हमारे हॉस्पिटल संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरफ से जो कैंप लगाया गया है, इसमें सबसे पहले तो यहाँ के लोकल ड्राइवर्स जो हैं, जो टेम्पू चालक हैं या रिक्शा चालक हैं, उन सबको बुलाकर उनके आँखों का निरीक्षण किया गया, बीपी चेक किया गया, शुगर चेक करी गई, और उन्हें ये भी बताया गया कि जिनको अगर कोई दिक्कत है तो वो हॉस्पिटल में आके कॉन्टैक्ट करें, उनका इलाज निःशुल्क किया जाएगा। उसके अलावा उन्हें ये भी निर्देश दिए गए कि कोई भी व्यक्ति बिना हेलमेट के या बिना सीट बेल्ट पहने अपने वाहन ना चलाएं। सड़क सुरक्षा सप्ताह के उपलक्ष्य में संजीवनी हॉस्पिटल की तरफ से MD मुकेश शारदा जी की ओर से एक कैंप लगाया गया है, जिसमें हम नॉर्मली ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट रेट और सैचुरेशन चेक कर रहे हैं। आखिर क्या चल रहा है राजनीति के गलियारों में? की सरहदों पर खून बहाता हमारा किसान, गांव के खेतों में पसीना बहाता हुआ हमारा किसान, भारतीय संस्कृति की विरासत हमारे देश की शान। अब आ रहा है RJC न्यूज नेटवर्क अपने नए अंदाज में, बेखौफ इरादे, मजबूत कदमों के साथ।